अपने पल्लू में ये नारियल रखकर देवी माँ का आशीर्वाद स्वीकार कर लो। सुनो, सब लोग एक एक करके ये नारियल जरूर ले लेना। कहा जाता है कि देवी माँ के मंदिर से जो इंसान ये नारियल अपने साथ घर ले जाए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। आओ। अच्छा बेटा, अरे कोई बात नहीं, कोई वहम नहीं। चलो 7 बजे। अब करण, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? वो निलंजना जी ने कहा था कि उनसे मिले बिना उज्जैन पहुंचने में देर हो जाएगी। आप करण थोड़ी देर, जैसे ही वहाँ पहुंच जाए मैं खुद तुम्हें उनके यहाँ लेके जाऊँ। ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। गुरुजी, हम रास्ते में ही हैं, मुहूर्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। सही मुहूर्त पे इस पूजा का आरंभ होना बहुत आवश्यक जी। कैसे रही? जी बहुत अच्छी रही, बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ था। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बस ठाकुर साहब भी अभी आते ही होंगे। प्रतिभा जी, पूजा में कौन बैठेगा? घर के सभी जोड़े, सभी बैठेंगे पूजा में। व्हाट, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन? वीरेन, ये क्या वीरेन, हम वापस जा रहे हैं। वीरेन आप जानते हैं ना पूजा कितनी जरूरी है। नीलू, लोग पूजा से नहीं इलाज से ठीक होते हैं, जो मैं करता हूँ। हो गया, चलो चलो चलो, अभी नहीं निकले तो मुहूर्त से पहले स्वर्ण भवन नहीं पहुंचेंगे। हाँ करण, वैसे आप ठीक कह रहे हैं, शायद उनसे अभी मिलना हमारी किस्मत नहीं है और मुहूर्त से पहले स्वर्ण भवन पहुंचना भी जरूरी है। हम उनसे फोन पर बात कर लेंगे। वेरी गुड, चलो। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर एक एक दिया जलाते हैं। कहा जाता है कि चौकट पर दिया जलाने से आने वाले घर जल्दी वापस आ जाते हैं। चले चले। अरे भाई साहब, कहाँ तक है? बहुत जाम है, 2 घंटा लगेगा। करने काम करते हैं। हाँ। वो ओल्ड ओल्ड हाईवे से ही चल कर आने हमें से पक्का। हाँ, हाँ, क्या करें, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। चल सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। राज कहाँ है? जी वो बस अभी आ रहे हैं। चलिए हम भी आप लोगों की मदद करते हैं। करण, करण और कितना टाइम लगेगा स्वर्ण भवन पहुंचने में? हम एक बार भाभी को फोन करके बार बार फोन मत करो। आप पहुंच जाएंगे आधे पौने घंटे में, उज्जैन पहुंच जाएंगे, फिर तुम अपने घर में होगी, सारी तैयारियां करते रहना। ओके, बार बार फोन मत करो, बोलो कर रहे ना तैयारियां, डोंट वरी।